मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पाठ प्रथम तथा बीकॉम ऑनर्स पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए ठहराव और अनुबंध के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, स्पष्ट कीजिए। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम सामान्य रूप से इन बातों को समझ चुके हैं कि धारा 2E के अंतर्गत इस बात को समझाया गया है कि प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है, यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन हुए और यह ठहराव का रूप ले लेते हैं और इसमें पारस्परिक सहमति होती है। वचन स्वीकृत प्रस्ताव वचन कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि समस्त अनुबंध ठहराव हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस बारे में हम समझने की बात करेंगे। अनुबंध के बारे में धारा 2H में ये बात बताई गई कि एक वैध अनुबंध में धारा 10 के अनुसार आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक होता है और अनुबंध स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, वयस्क व्यक्ति के द्वारा और कानून के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्तियों के द्वारा नहीं होने चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं कि मूल रूप से ऐसे ठहराव जो कि कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते वो अनुबंध नहीं कहलाते हैं, जैसे घरेलू या पारिवारिक ठहराव कि यदि उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना रहा है तो यह वैध ठहराव या अनुबंध होगा, अन्यथा ठहराव अनुबंध नहीं होगा। इसी तरह से कुछ सामाजिक ठहराव भी होते हैं, शादी करने का ठहराव, संतान गोद लेने का ठहराव, ये वैध ठहराव हैं लेकिन समस्त ऐसे ठहराव वो अनुबंध का रूप भी नहीं लेते। लेकिन शादी पार्टी में बुलाना यह कोई वैध अनुबंध का रूप नहीं हो सकता। राजनीतिक ठहराव, अगर कोई राजनीतिक पक्षकारों के मध्य में कोई ठहराव किया गया हो तो वो ठहराव भी अनुबंध नहीं होते। ऐसे व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है वो भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, यानी कि ऐसे पक्षकार जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते और उनके द्वारा अगर कोई ठहराव किया गया तो वो भी अनुबंध का रूप नहीं ले पाएंगे। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव, यानी कि ऐसे ठहराव जो कि स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए हों वो भी वैध अनुबंध का रूप नहीं ले पाएंगे। बिना प्रतिफल के ठहराव, ऐसे ठहराव भी जो हैं वो अनुबंध का रूप नहीं ले पाएंगे। अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव होंगे वो भी अनुबंध नहीं माने जाएंगे। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव जिनका अर्थ ही स्पष्ट ना हो, ये ऐसे ठहराव कर लिए जाएं कि जिससे कोई व्यापार में रुकावट डाल रहा है या विवाह में रुकावट डाल रहा है, तो ऐसे ठहराव अनुबंध नहीं होंगे। बाजी के शर्त के ठहराव जो होते हैं वो भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ऐसे ठहराव किए जाते हैं कि जो कि असंभव घटना पर आधारित हो, ऐसे ठहराव भी अनुबंध नहीं हो सकते। ये ऐसे कार्यों के लिए ठहराव कर लिया जाए जो कि असंभव कार्य को करने के हैं, जिनका होना संभव ही नहीं है, तो ऐसे ठहराव भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन बिंदुओं के द्वारा ये जानने का प्रयत्न किया कि ऐसे ठहराव जो कि उपरोक्त उदाहरणों में से हैं तो वे अनुबंध नहीं हो सकते, लेकिन जो भी अनुबंध किए जाते हैं
वो ठहराव होते हैं क्योंकि उनमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व जो कि धारा 10 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 10 में इस बात को समझाया गया है। तो इस प्रकार जब वह अनुबंध बन जाता है तो अनुबंध के लिए ये बात आवश्यक है कि वह निश्चित रूप से ठहराव होगा ही। तो इस प्रकार आज हमने इस बात को जानने का प्रयत्न किया कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। धन्यवाद।